फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के मोबाइल में सैमसंग का कीबोर्ड होता है उसके अंदर का हिडन फीचर या बोल सकते हैं हिडन टिप बताने वाला हूँ दोस्तों। ये हिडन फीचर का नाम है अंडू और रीडू। दोस्तों ये अंडू और रीडू होता क्या है, कैसे यूज करते हैं और ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलने वाला है दोस्तों, तो आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूँ दोस्तों अंडू और रीडू का फीचर होता क्या है। दोस्तों अगर आपने कभी कोई भी अगर आपने कंप्यूटर चलाया हो या बोल सकते हैं कोई पेंट वेंट यूज़ करा हो, तो वहाँ पर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और उसको आपने डिलीट कर, गलती से मान लो आपने कुछ टाइप करा, लाइक आपने मेरा ही नाम लिखा सनियर और ऐसे टैग, आपने कुछ उसमें गलत लिख दिया, आपको वहाँ से हटा दिया, बट आपको वो वापस चाहिए तो उसको बोलते हैं अंडू। मिटाई हुई चीज़ को वापस लेके आना उसको अंडू बोलते हैं। रीडू मतलब जैसे अंडू जिसको करा है उसको वापस से डिलीट कर दो तो वो होता है रीडू। तो दोस्तों ये फीचर आपको मिलेगा कहाँ, कैसे यूज़ करेंगे तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग कीबोर्ड में अंडू और रीडू ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर अपने सैमसंग नोट पे। यहाँ पर आप कहीं भी इसको जा सकते हैं अपने आप, वहाँ पर आप कहीं भी जाके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले सैमसंग नोट्स में दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैसेज में भी यूज़ करना दिखाऊंगा तो कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक मैंने छोटा सा एक मैटर टाइप करके रखा हुआ, आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पर जैसे अनफॉर्चुनेटली गलती से मुझसे ये ऊपर वाली दो लाइनें ऐसे करके ये डिलीट हो गई। अब ये मुझे वापस कैसे लाऊं, तो उसको कहते हैं अंडू। दोस्तों ये वापस अगर गलती डिलीट हो गई आपको उसको वापस लाना है तो सिंपली दोस्तों एक हिडन फीचर होता है जो सैमसंग कीबोर्ड में होता है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ से ऐसे करके अपने कीबोर्ड पे यूँ स्वैप करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर की दो लाइनें वापस आ चुकी हैं, आपको दिख रहा होगा। पहले डिलीट हो गई थी, अब ये वापस आ गई। मैं आपको एक बार वो करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे लाइक मैं ऊपर से अभी इतना इतना पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दी। अब मुझे ये वापस लाना है तो कैसे लाऊं, तो वही अंडू वाला सिस्टम। आपको यहाँ पर अपनी दो फिंगर को यहाँ पर रखना है और ऐसे करके यहाँ पर यूँ स्वैप करेंगे तो आप देखेंगे ये वापस इस तरफ आ गई। आप देख रहे होंगे वापस आपका पूरा पैराग्राफ आ चुका है जो भी डिलीट हुआ था। तो दोस्तों ये होता है अंडू। इस फीचर को यूज़ करने के लिए आप हो सकते हैं, इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको दोस्तों करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने अपने सैमसंग कीबोर्ड की सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्वाइप टच एंड फीडबैक वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर आपको जो ऑप्शन मिल रहा है कीबोर्ड स्वाइप कंट्रोल, आपको उस पर जाना है और वहाँ पर सबसे नीचे आपको मिल रहा होगा कर्सर कंट्रोल, आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑन कर लेना है। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो वो ऑप्शन नहीं चलेगा, तो आपको कर्सर कंट्रोल वाले ऑप्शन को यूज़ करना है दोस्तों। अब मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों यहाँ पर अपने मैसेजिंग में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको यहाँ पर लेके आ गया हूँ मैसेज में। अब मैसेज में आने के बाद आप देखेंगे मुझसे गलती से पैराग्राफ डिलीट हो गया, मुझे ये पैराग्राफ को वापस लाना है तो आपको वापस यहाँ से यूँ करके इसको स्वैप करेंगे तो आपका पैराग्राफ पूरा वापस आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये अंडू होता है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पर वापस आ गया। अगर आपको रीडू करना है, रीडू मतलब वापस डिलीट करना है, तो आप यहाँ से दूसरी तरफ से इसको स्वाइप करेंगे तो ये वहाँ से डिलीट हो जाएगा। दोस्तों ये होता है अंडू और रीडू का ऑप्शन, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी ऐप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बहुत ही ईजिली आप इसको फीचर को यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे कितनी ईजिली मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से कर दिया, वापस मुझे अंडू करना है तो मैंने यहाँ से स्वैप करा, राइट हैंड साइड से अंडू हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से स्वैप करूँगा तो वापस ये रीडू हो जाएगा। अगर आप नए नए में यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा कभी कभार, बट आप इसको ट्राई करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। मुझे भी बहुत टाइम लगा इसको परफेक्ट होने में, आप देख सकते हैं कभी कभार नहीं चल रहा है बट परफेक्ट होने में इसमें टाइम लगता है। आप कहीं भी इस ऐप का यूज़ कर पाएंगे, आप देख रहे हैं दोस्तों सिंपली आप यहाँ अंडू और रीडू का ऑप्शन यूज़ कर पा रहे हैं, कितने ईजिली ये यहाँ पर वर्क कर रहा है दोस्तों। तो आप ये कोई सी भी ऐप में कर सकते हैं सैमसंग कीबोर्ड के थ्रू, आप ये कोई सी भी ऐप में इसका यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। तो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो आप मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगा। और हो सके दोस्तों आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।